ठीक है, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है अच्छी तरीके से? यस सर। यस सर। वेरी गुड। गोपाल हैड ए काउ इन हाउस। गोपाल हैड ए काउ इन हाउस। गोपाल के पास क्या थी? एक काउ थी। वो उसको कहाँ रखता था? हाउस में, अपने हाउस में रखता था। सबने ओपन कर लिया ना? यस यस। ही नेम्ड द काउ एज कावेरी। ही नेम्ड, उसने नाम रखा काउ, गाय का, कावेरी। उन्होंने अपने गाय का नाम क्या रखा? कावेरी रखा, कावेरी। हिज फादर वाज फार्मर। हिज फादर वाज फार्मर। गोपाल के जो फादर थे उसके पापा वो क्या थे? फार्मर थे। क्या थे? फार्मर। सब अपने माइक को म्यूट कर ले। ओके, गोपाल यूज टू टेक गुड केयर ऑफ कावेरी। गोपाल यूज टू, हमेशा जो गोपाल था वो टेक गुड यानी अच्छी देखभाल करता था। किसकी? कावेरी की। किसकी देखभाल करता था? कावेरी की। दे हैड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। दे हैड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उन दोनों में, गोपाल में और कावेरी में, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी। दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। पेटिंग कावेरी। ओ, कावेरी क्या थी? पेट थी, पालतू थी, पाल रहा था वो। एंड हर काफ वाज रेगुलर वर्क ऑफ गोपाल, यानी उनकी देखभाल करना, उनको चारा खिलाना। काल्फ होता बेटा उसका बच्चा, बछड़ा। काफ को क्या बोलते हैं? बछड़े, बछड़ा। तो कावेरी और उसके बछड़े की जो गोपाल था वो रेगुलर केयर करता था, उनका रेगुलर देखभाल करता था। ही यूज टू फीड देम। वो उन्हें फीड करता था यानी खिलाता था। देम उनको सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेंडर ग्रीन ग्रास। टेंडर यानी टेंडर, अच्छी रसदार, अच्छी घास, उन्हें हरी भरी घास वो उन्हें खिलाता था, रसीली। इवन यदि द स्पीचलेस एनिमल। स्पीचलेस यानी जो बोल नहीं सकता, उन्हें बोलते हैं स्पीचलेस। तो गाय बोल सकती है क्या? नो। तो गाय को स्पीचलेस एनिमल बोला गया, स्पीचलेस एनिमल। कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव एंड केयर। तो जो एनिमल है वो कौन सी लैंग्वेज को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं? लव और केयर वाली लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, आप एनिमल से प्यार करोगे तो वो आपको भी प्यार करेंगे। हाँ, और नहीं प्यार करोगे तो आपके मार देंगे, है ना? उसके पास जाओ फिर यूं उठा के फेंक देंगे, आपको फेंक देंगे ना। हाँ, अगर आप उसको हरा हरा चारा खिलाओगे, हाँ खिलाओगे, उसको पानी पिलाओगे, तो आपको जो एनिमल्स हैं, हमारे पेटिंग एनिमल्स हैं, वो परेशान नहीं करेंगे, आपकी बात मानेंगे, ठीक है? ये देखो गोपाल है, अपनी गाय को देखो कितना सहला रहा है, यहाँ हरी घास खिला रहा है, गाय को घुमाने भी ले जाता है, मॉर्निंग वॉक पे ले जाता है। आप भी ले जाया करो अपने जानवरों को घुमाने। किस किस के हैं गाय? किसने पाल रखी है? पैर, मेरे पास तो पैरट है। पैरट है? यस सर। तो आपका पैरट फ्रेंड है? यस सर। और किसने कौन सा एनिमल पाल रखा है? किसी ने और पाल रखा है? मानसी? नो सर। विप्रा? नो सर। कोई सा भी एनिमल्स नहीं है? यशिका, है कोई एनिमल आपके पास? हाँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं।
वन डे, अब माइक म्यूट कर दो. वन डे, एक दिन गोपाल वाज लेट फॉर कमिंग बैक होम. एक दिन जो गोपाल था वो घर आने में लेट हो गया. कावेरी रियलाइज्ड इट, तो कावेरी को ये महसूस हो गया कि गोपाल आज नहीं है घर पे. रियलाइज हो गया, उसको महसूस हो गया. सी वाज ईगरली वेटिंग फॉर गोपाल. ईगरली आने उत्सुकता से, वो उसका बिल्कुल बहुत वेट कर रही थी. कौन वेट कर रही थी गोपाल का? कावेरी. When he did not come, जब वो आया नहीं, जब वो he did not come, जब वह आया नहीं, कावेरी become restless, तो कावेरी परेशान हो गई. Restless मतलब परेशान. And started moving here and there, और उसने इधर से उधर चलना शुरू कर दिया. जैसे आप परेशान होते हो तो यहाँ से वहां घूमते हो ना, तो वैसे ही कावेरी यहाँ से वहां घूमने लग गई. सी ब्रोक द चेन, उस जिस चेन से वो बंधी हुई थी वो भी उसने ब्रोक कर दी, तोड़ दी. एंड रेन अवे फ्रॉम होम, और घर से रेन अवे हो गई, भाग गई. और घर से भाग गई, किसको ढूंढने? ये यसी का माइक को म्यूट रखो. गोपाल्स मदर, जो गोपाल की माँ थी, एंड फादर पिताजी थे, आल्सो रेन आफ्टर हर, वो भी उनके पीछे दौड़ते हुए गए. सून, जल्द ही, द काउ डिसअपीयर, जो गाय थी वो डिसअपीयर हो गई, यानी उन्हें दिखाई देना बंद हो गई. वो इतनी दूर चली गई कि गोपाल के मम्मी पापा को वो गाय दिखना बंद हो गई. ओके. गोपाल्स पेरेंट्स, गोपाल्स के माता पिता, केम बैक, वापस घर आ गए. दे वर वेरी सैड, जो उसके माता पिता थे वो बहुत सैड थे. वेरी सैड, बहुत दुखी थे. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, देसा, उन्होंने देखा, दैट की गोपाल और कावेरी वर कमिंग टुगेदर, गोपाल और कावेरी साथ साथ आ रहे हैं घर. हाँ, तो कावेरी ने जाके गोपाल को ढूंढ लिया ना. नाउ दे रियलाइज, अब उन्हें महसूस हुआ, रियलाइज हुआ, दैट वाई, कि क्यों हैड कावेरी बिकम रेस्टलेस, जो कावेरी थी वो परेशान क्यों हो रही थी. तो गोपाल के पेरेंट्स को ये पता लग गया कि कावेरी क्यों परेशान हो रही है. हाँ, सो एनिमल अंडरस्टैंड, जो जानवर है वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं आवर लव, हमारे प्यार को, एंड अफेक्शन, स्नेह को, हमसे स्नेह करते हैं उसको, वो समझते हैं. समझते ना एनिमल. दे आर आवर गुड फ्रेंड्स, एनिमल्स हमारे गुड फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं ना. समझ में आया कावेरी और गोपाल की स्टोरी? आ गई ना. तो एनिमल्स की केयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें? यस, करना चाहिए, करना चाहिए. एनिमल्स की केयर करना चाहिए. हाँ, उन्हें अच्छा अच्छा खाने को देना चाहिए. हाँ, अच्छा पानी पीने को देना चाहिए. हाँ, तो फिर वो हमारी केयर करेंगे ना. आपको अच्छा अच्छा गाय की केयर करोगे तो आपको मीठा मीठा मिल्क मिलेगा. Yes, sir. हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे. Yes, sir. ओके, हम
माइक म्यूट कर लो. मेन्स ओल्डेस्ट फ्रेंड डो. मेन्स यानी आदमी का ओल्डेस्ट सबसे पुराना फ्रेंड कौन है? डॉग. सबसे पुराना दोस्त होता है आदमी का डॉग होता है. होता है. डॉग्स आर मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं जो हमारे घर में रहते हैं. जो घर में रहते हैं उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स हम कहते हैं. तो डॉग्स आर मोस्ट डोमेस्टिक एनिमल. सबसे ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स है. दे आर फेथफुल. हम उनपे फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं डॉग्स पर. दे ट्राई देयर बेस्ट टू प्लीज द मैन. जो डॉग होता है अपना बेस्ट करता है, अपना जितना एफर्ट होता है वो करता है डॉग हमें खुश रखने का. एक आदमी को खुश रखने का डॉग एफर्ट करता है ना, ऐसे मुंह हिलाता रहता है. हिलाता नहीं, हिलाता है. फिर आप उसे रोटी देते हो, हाँ, तो आप खुश होगे तभी तो उसे खाना दोगे. तो पहले आपको खुश करता है पूंछ हिला के, आपके आगे लेट जाता है. लेट जाता है ना, है. देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ मैन एंड डॉग. मैन और डॉग की जो फ्रेंडशिप स्टोरी है वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियां है. ठीक है. डू यू नो एनी गुड स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ मैन एंड डॉग. क्या आपको कोई स्टोरी पता है जो इसमें डॉग और मैन फ्रेंड हो? है पता है किसी को? नहीं है. Why do police and security guards also keep the dog as a pet? आपने पुलिस के साथ और सिक्योरिटी गार्ड के साथ डॉग्स देखे होंगे तो वो डॉग्स को ही क्यों रखते हैं? एलिफेंट को क्यों नहीं रखते? हाँ, क्योंकि उनके जो काम आएगा वो तो डॉग्स ही है ना बेटा. जो उनके काम आएगा वो डॉग ही काम आएगा. कुछ भी अगर हो जाता है तो डॉग्स स्नीफ करता है, हाँ, सूंघता है और सूंघ के पता लगा लेता है कि क्या हुआ है. हाँ, लगा लेता है. और उनके जो केस वगैरह होते हैं उनको सॉल्व करने में उनका हेल्प करता है. हाँ, करता है. तो इसलिए वो डॉग को रखते हैं. अब है चेतक. चेतक का नाम सबने सुना है. चेतक एक हॉर्स का नाम है. किसका नाम है? हॉर्स का. किसका हॉर्स था चेतक? महाराणा प्रताप का. महाराणा प्रताप का जो हॉर्स था उसका नाम था चेतक. दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे. ओके. हु हैज नॉट हर्ड द स्टोरी ऑफ चेतक. किसने नहीं सुनी, हर्ड यानी सुनी, द स्टोरी ऑफ चेतक. चेतक की स्टोरी किसने नहीं सुनी? सबने सुनी है. चेतक वाज द लॉयल हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप. चेतक क्या था? लॉयल हॉर्स था. उनका वफादार था. किनका? महाराणा प्रताप का. चेतक गोट इंजर्ड इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी. जो हल्दीघाटी का बैटल हुआ था, हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था, उसमें चेतक को बहुत ज्यादा चोट लगी थी. चेतक को बहुत ज्यादा चोट लगी थी. इंजरी हुई थी. इंजर्ड यानी चोट लगी थी. हाँ, इन स्पाइट ऑफ दी. इसके चोट लगने के बावजूद भी, स्पाइट यानी बावजूद भी, दैट ही टुक राणा प्रताप टू सेफ प्लेस. वो राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को टुक यानी ले गया टू अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह पर वो ले गया. चोट लगने, उसके पैर में चोट लग गई थी, फिर भी वो महाराणा प्रताप को ले गया था. हाँ, उसने वो गिरा नहीं. चेतक वाज वेरी अफेक्शनेट हॉर्स ऑफ राणा प्रताप. चेतक जो था वो महाराणा प्रताप का बहुत ही प्यारा घोड़ा था. अफेक्शनेट यानी प्यारा, उनको बहुत अच्छा लगता था वो. ही यूज टू क्रॉस वाटर कैनाल.
वो बड़े बड़े पानी के जो कैनाल्स थे, हाँ रिवर थे, वो भी पार कर जाता था एक छलांग में ही। बड़े बड़े जो नहर थे उनको एक छलांग में कूद जाता था, इन वन लीप, एक छलांग में। लीप याने छलांग, एक ही छलांग, एक ही बार में वो जंप कर जाता था। चेतक डाइड व्हेन ही वाज टेकिंग राणा प्रताप टू सेफ प्लेस। चेतक जब तक जीवित रहा, जब तक वो महाराणा प्रताप को सेफ प्लेस पे नहीं ले गया, और सेफ प्लेस में ले जाने के बाद वो डाई हो गया, यानी मर गया। तो कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी दोनों में, थी ना बेटा। एग्जाम्पल लाइक चेतक लॉयल्टी, यानी चेतक की वफादारी के, एंड फ्रेंडशिप आर रेयर इन हिस्ट्री। तो ऐसी फ्रेंडशिप हिस्ट्री में रेयर है। तो सबके समझ में आ गया चैप्टर? एक्सरसाइज करवा दी सर ने, पहले करवा दी थी ना? यस सर। ठीक है, तो ये वापस आप क्वेश्चन वगैरह लर्न कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 लर्न करेंगे। कौन सा लर्न करेंगे? तो अपने कितने चैप्टर हो गए बेटा अब तक? टोटल कितना में रीड करवा दिया अब तक?